हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं। आज सदन में जब नीतीश कुमार जा रहे थे तो आपने कहा कि 3 तारीख को महागठबंधन की रैली है, आप उसमें आ जाइए, क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? अरे हमको चिंता इस बात की है कि जिस तरह से राजद और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया, हॉर्स ट्रेडिंग किया गया बीजेपी के द्वारा, तो हमको चिंता इस बात का है कि जदयू भी इससे अलग नहीं है और बारी अब जदयू का है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए हमको चिंता उनकी है, इसलिए मैंने आगाह किया और कहा कि कहाँ भटके हुए हैं, आइए अब छोड़। अब जिस तरह से महागठबंधन में टूट हो रही है उसे क्या नीतीश जी घबराए हुए हैं? अरे 2 दिन से सोए नहीं, आपको पता नहीं है कहाँ आप बुलवा क्या, 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 क्या कैसे नहीं सोए? अरे सब भेद काला खुलवाइएगा, छोड़िए। मतलब आपको क्या जानकारी मिली कि 2 दिन से नीतीश जी सोए नहीं है? हाँ भाई, जो इसकी चिंता है उनको, उनको लग रहा है कल उनकी पार्टी भी टूट सकती है। उनको चिंता है और हर आदमी को चिंता होना स्वाभाविक है कि उनकी पार्टी और इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग अगर देश में होगा तो संविधान बचेगा क्या? नहीं बचेगा। नीतीश भी कभी इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिए नहीं है। तो ये देखिए, भाई वीरेंद्र हैं आरजेडी के विधायक, आज सुबह में नीतीश जब सदन में जा रहे थे तो देखिए विशाल से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं, नीतीश यहीं पे थे और भाई वीरेंद्र यहाँ खड़े थे। उन्होंने नीतीश को नमस्कार किया और कहा कि 3 तारीख को पटना में महागठबंधन की रैली होनी है गांधी मैदान में, आप उसमें आ जाइए, आमंत्रित तो किए हैं। और भाई वीरेंद्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है महागठबंधन विधायकों को तोड़ रही है, तो कल को जदयू को भी जो है बीजेपी तोड़ेगी और बिहार में अपना सीएम भी बना सकती है। इसलिए नीतीश जी को हम लोग आगाह कर रहे हैं कि आप हम लोग के तरफ आ जाइए, आप समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, ये आमंत्रित कर रहे हैं नीतीश को महागठबंधन में। और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश बहुत तनाव में है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी विधायकों को तोड़ रही है इससे नीतीश परेशान है और 2 दिन से सोए नहीं है भाई वीरेंद्र, ये भी कह रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News पटना।